हेलो ब्यूटीफुल स्टार्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्स मिस्टिक एंचेंट्रेस। मैं आपकी होस्ट आप सभी का दिल से वेलकम करती हूं गाइस। तो आपके पर्सन और आपके लिए आज का एनर्जी शिफ्ट क्या कहता है यही हम जानेंगे गाइस, तो बने रहिए मेरे इस वीडियो पर। और अगर इस चैनल पर आप लोग नए हैं तो आप सभी का दिल से स्वागत है गाइस। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को और बेल नोटिफिकेशंस को भी ज़रूर हिट कर लीजिए ताकि इस चैनल से न्यू ईयर्स वीडियोज़ की अपडेट्स आपको मिलती रहें। अ क्विक डिस्क्लेमर हियर गाइस, दीज आर द जनरल रीडिंग्स, मे और मे नॉट रेजोनेट विथ ईच एंड एवरी वन ऑफ देट। तो जितनी भी बातें यहाँ से आपके साथ रेजोनेट करें, यहाँ से गाइडेंस आप ग्रैप कर सकते हो और बाकी अदर चीज़ों को आपने छोड़ देना है। फाइन, तो चलिए बढ़ते हैं। तो गाइज, जैसे कि यहाँ पर आप लोग कार्ड्स में देख सकते हो, व्हील ऑफ फॉर्चून, फोर ऑफ कप्स, एस ऑफ सोर्ड्स, द वर्ल्ड, थ्री ऑफ सोर्ड्स, फोर ऑफ सोर्ड्स एंड द फूल। तो यहाँ पर एक जो वाइब है ये आइदर ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है या फिर कार्मिक कनेक्शन हो सकता है गाइस। ये पर्सन आइदर आपके साथ सेपरेशन में होंगे या फिर ये एक बहुत ही ज़्यादा पेनफुल या हार्ट ब्रोकन सिचुएशन से गुजर रहे हैं। अगर मान लो ये अपनी थर्ड पार्टी से एक तरह से सेपरेशन में बने हुए हैं तो ये आपकी तरफ बहुत ज़्यादा एक कनेक्टिविटी महसूस करते हैं, क्योंकि आपके तरफ से इन्हें वो हीलिंग मिली है, आपकी तरफ से इन्हें वो कंफर्ट मिला है और आपकी एनर्जी में ये खुद को बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथन मानते हैं। आप इन्हें बहुत ज़्यादा इंस्पायर करते होंगे, इन्हें मोटिवेट करते होंगे अगर ये अपनी लाइफ में कहीं पर भी स्ट्रगल कर रहे हैं गाइस। ज़रूरी नहीं यहाँ पर थर्ड पार्टी एंगल किसी पर्सन के साथ ही हो, ये इनकी करियर फ्रंट को भी लेकर हो सकता है, इनकी लाइफ का जो भी एक ऐसा एरिया जहाँ पर ये ब्रोकन है अभी, जहाँ पर इनकी हो सकता है एक तरह से हार हुई है या फिर ये अच्छा नहीं कर रहे हैं वहाँ पर, तो ऐसा कोई भी एरिया हो सकता है। तो अगर इन फ्यू केसेस ये रिलेशनशिप है इनका जिनके साथ ये आइदर कमिटमेंट में थे तो ज़रूर ये वहाँ पर सेपरेशन में गुजर रहे हैं। और यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी होंगी ना जो कि सिर्फ और सिर्फ वक्त के हाथ में है, ना तो आप इनकी मदद कर सकते हो ना ही ये खुद अपनी मदद कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर वक्त के हिसाब से होंगी। व्हील ऑफ फॉर्चून टॉक्स अबाउट द डिवाइन टाइमिंग, तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें स्टक या स्टैगनेंट पैटर्न में बनी हुई हैं और इन्हें पता है कि अगर इन्हें आपकी तरफ एक कमिटमेंट रखना है तो इस टाइम फ्रेम से इन्हें गुजरना ही होगा। इससे जल्दी ना तो ये कुछ कर सकेंगे ना ही ये कर पाएंगे। तो ऑफ कोर्स यहाँ पर ऐसा एक सिनेरियो है गाइस। तो आपके पर्सन आपको लेकर भी एक हार्ट ब्रोकन सिचुएशन में हो सकते हैं। मान लो अगर ये आपसे सेपरेशन में है तो ये काफ़ी ज़्यादा याद करते होंगे आपको, और आपने जैसा भी इनकी तरफ बिहेवियर रखा था वो बहुत ज़्यादा अनकंडीशनल रहा होगा। आपने हमेशा इनके लिए एक सपोर्टिव पर्सन की तरह साथ दिया होगा गाइस, भले ही फाइनेंशियल मैटर्स में हो या फिर जिस भी मैटर्स में हो, आपने हमेशा इनका साथ दिया है। और अब ये जब आपसे अलग हो गए हैं और इनकी लाइफ में एक थर्ड पार्टी एंगल भी है तो वहाँ पर जितनी भी तकलीफ ये महसूस कर रहे हैं तो शायद ये आपको क्रेव कर रहे हैं और ये जल्द से जल्द छूट कर आपके पास आना चाहते हैं। जिस भी ये एक पर्टिकुलर से एरिया पर अटक गए हैं, अभी स्टक मान रहे हैं खुद को, ये वहाँ से जल्द रिलीज होकर आपके साथ एक ब्यूटीफुल सी न्यू बिगनिंग में आना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर द फूल वाली एनर्जीज अपीयर हुई हैं। तो आपके पर्सन ज़रूर एक न्यू बिगनिंग चाहते हैं आपसे और ये एक सिचुएशन से हील हो रहे हैं धीरे धीरे, क्योंकि यहाँ पर फोर ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज हैं। तो 100% यहाँ पर एक सेपरेशन ज़रूर होगा गाइस। आप दोनों के बीच में ना तो किसी तरह की कोई कम्युनिकेशन होगी ना ही आप दोनों एक दूसरे से मिलते होंगे और शायद आपको इनके बारे में कोई न्यूज़ भी नहीं होगी, राइट? तो मैं आपको बता दूं कि दिस पर्सन इज़ गोइंग थ्रू अ वेरी पेनफुल साइकिल। इनके लाइफ में कुछ तो ऐसी सिचुएशन चल रही है जहाँ पर ये बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन है और ये स्टक हैं। पहले तो ये जहाँ से भी निकलना चाह रहे हैं शायद निकल नहीं पा रहे हैं। इनकी जो सिचुएशन है वो बहुत ज़्यादा एक तरह से पेनफुल अभी बनी हुई है, बट दे आर ट्राइंग टू हील देमसेल्व्स, क्योंकि इन्हें पता है कि अगर ये यहाँ से हील होकर आपकी तरफ बढ़ते हैं तो शायद इनकी ज़िंदगी को एक नई डायरेक्शन मिल सकती है, क्योंकि आप ही ऐसे पर्सन होंगे जो हमेशा इनके लिए एक सपोर्टिव पर्सन की तरह आपने काम किया है। इन्हें हमेशा आपने एक रास्ता दिखाया है, हमेशा इनको इंस्पायर किया है। और मान लो बहुत लोगों के लिए अगर ये फाइनेंशियल फ्रंट को भी लेकर हो तो आपने फाइनेंशियली भी इस पर्सन की बहुत ज़्यादा मदद की होगी गाइस। तो शायद ये अभी आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, याद कर रहे हैं
और एक तरह से अपनी लाइफ में सैड है। यहाँ पर फोर ऑफ कप्स की एनर्जीज ये कहती हैं कि आपने हो सकता है इस पर्सन की तरफ कोई ऑफर या प्रपोजल रखा होगा, इवन फाइनेंशियल मैटर्स को भी लेकर हम डिस्कस करें तो आपने इस पर्सन की तरफ आइदर कोई जॉब या फिर कोई फाइनेंशियल हैंड प्रेजेंट किया था कि आपने इनकी तरफ हो सकता है बिजनेस पार्टनरशिप के लिए भी अप्रोच रखा था होगा, लेकिन इस पर्सन ने उन सारी चीज़ों को रिजेक्ट किया था उस समय, लेकिन अब इन्हें हो सकता है आपके उस प्रपोजल की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है और ये इसी वजह से आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, एक न्यू बिगनिंग में आना चाहते हैं और जिसके लिए इन्हें इंतज़ार करना पड़ रहा है। यहाँ पर डिस्टेंस बहुत होगा आप दोनों के बीच में, अगर ये किसी और शहर में रहते हैं, आप किसी और शहर में रहते हैं तो ये लिटरल डिस्टेंस है, और अगर लिटरल डिस्टेंस नहीं भी है तो इन्हें एक लंबा सा जर्नी यहाँ पर तय करना पड़ सकता है। फॉर एग्जांपल मान लो कि एक टाइम फ्रेम से इन्हें गुजरना पड़ेगा जो भी इनकी सिचुएशन है। अगर बहुत सारे लोग यहाँ पर डाइवोर्स प्रोसेस से भी गुजर रहे हैं तो डाइवोर्स का जो भी यहाँ पर समय होगा वो तय होगा गाइस, और जब तक ये उस डाइवोर्स प्रोसेस से पूरी तरीके से रिलीज नहीं हो जाते तब तक ये कुछ नहीं कर सकते। एक तरह से कार्मिक बैगेज ये लेकर अभी चल रहे हैं और इसी कार्मिक बैगेज से ये रिलीज होना चाहते हैं तभी ये आपकी तरफ एक न्यू बिगिनिंग में आना चाहते हैं, बट इनको जल्दी बहुत है लेकिन वक्त शायद इनका साथ नहीं दे रहा होगा गाइस। तो ये कर्मा इनको शायद हॉन्ट बैक हो रहा होगा, ये आपके ट्विन फ्लेम हो सकते हैं बहुत सारे केसेस में, अगर नहीं तो ये आपके कार्मिक पार्टनर हो सकते हैं। हो सकता है पास्ट इवेंट्स में इन्होंने आपको ग्रांटेड ले लिया था, अब इनके साथ वैसी ही सिचुएशन रिपीट हो रही है और ये आपको क्रेव कर रहे हैं, शायद सिचुएशन से सिचुएशन को मैच करके देख रहे होंगे और आपकी इन्हें याद आ रही होगी कि इन्होंने आपके साथ ऐसा किया तो शायद इनके साथ एक एडवर्सिटी के चलते ये सारी चीज़ें रिपीट हो रही होंगी, तो ये आपको याद कर रहे हैं और आपकी तरफ एक न्यू बिगनिंग में शायद आना चाह रहे हैं, तो ये एनर्जी हो सकती है। तो हार्ट स्पेस पर आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोचते हैं, तो जैसे कि यहाँ पर आप कार्ड्स में देख सकते हो, टू ऑफ कप्स, डॉटर ऑफ पेंटिकल्स, मदर ऑफ सोर्ड्स, द हायरोफेंट, नाइन ऑफ वॉन्ड्स, डेथ एंड सिक्स ऑफ सोर्ड्स। तो बहुत सारे केसेस में आपने इस पर्सन से हो सकता है एक डिटैचमेंट बना लिया होगा गाइस, और एक तरह से एंडिंग आपने रख दी होगी यहाँ पर। आप इस पर्सन के बारे में इमोशनल लेवल्स पर शायद नहीं सोचते होंगे अभी, आप शायद अपनी लाइफ में कहीं मूव ऑन हो चुके होंगे। अगर मूव ऑन नहीं भी हुए हैं तो इस पर्सन से आप ज़्यादा कंसर्न नहीं हो, क्योंकि इस पर्सन ने हो सकता है आपका दिल तोड़ा था पास्ट इवेंट्स के चलते, इन्होंने शायद आपको बहुत रुलाया था और इसीलिए शायद आप यहाँ से खुद को रिलीज कर पाए हो, लेकिन बैक ऑफ द माइंड कहीं ना कहीं आपको पता है कि दिस पर्सन विल कम बैक टू यू, ये आपने सोच कर रखा है। आप काफ़ी ज़्यादा इंट्यूटिव पर्सन हो सकते हो या आप लोग एक इम्पैथ हो सकते हो, क्योंकि यहाँ पर द हायरोफेंट वाली एनर्जीज यही कहती हैं कि आपका जो स्पिरिचुअल साइड है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगा और आप बहुत ज़्यादा रूल्स को फॉलो करके चलने वाले पर्सन होंगे, अपने ही प्रिंसिपल को फॉलो करके चलने वाले पर्सन होंगे, और शायद आपको कर्मा पर बहुत ज़्यादा विश्वास होगा कि जो जैसा करता है वो वैसा भरता है, ये आपका मानना होगा। आपने अपनी लाइफ में ऐसे कई सारे पैटर्न्स देखे होंगे लोगों के साथ भी और अपने साथ भी कि जो गलत करता है उसको सज़ा मिलती है, ऐसा आपका बिलीफ सिस्टम होगा, और यही वजह है कि आपको पता है यहाँ पर क्या होने वाला है और इसीलिए आप बहुत ज़्यादा शांत हो, आप बहुत ज़्यादा रिलैक्स्ड हो अपने ही अंदर, क्योंकि यू कैन सी कि आपके पर्सन इवेंचुअली आपके पास आएंगे और शायद हो सकता है ये पछताएंगे, और यही इनके साथ हो रहा है बहुत लोगों के साथ, और ये एक टाइमलेस एनर्जी भी हो सकती है गाइस। ये शिफ्ट अगर आप लोगों के साथ इमीडिएटली अगर रेजोनेट ना भी कर रहा हो तो लाइक सम टाइम्स लेटर ये शिफ्ट आपके साथ अपीयर हो सकता है, मतलब अगर आप एक हैरोफेंट वाली एनर्जीज में खुद को चैनल करोगे तो ये शिफ्ट भी आप देख सकते हो, अगर आपके लाइफ में कोई कार्मिक पार्टनर है तो, या फिर जिसने भी आपको धोखा दिया था या फिर आपके साथ बिट्रेल रखा था तो वो पर्सन इवेंचुअली आपके पास कमबैक ज़रूर करेंगे गाइस, ये मैं एनर्जी देख रही हूँ यहाँ पर। आपके पर्सन ज़रूर आपके साथ एक टू ऑफ कप्स वाला बॉन्ड शेयर करते हैं, ये आपके साथ बिताए गए उन सारे लम्हों को याद करते होंगे गाइस, और मैं ऐसा कह सकती हूँ कि अगर इन्होंने सोचा था कि आपके साथ ये एक रिलेशनशिप या कमिटमेंट को नेक्स्ट लेवल पर ले जा पाएंगे कभी ना कभी, तो शायद यही सोच रहे हैं कि ये जल्द से जल्द वहाँ से रिलीज़ हो सकें और आपकी तरफ एक कोई कमिटमेंट या फिर एक कोई रिलेशनशिप का नेक्स्ट लेवल ऑफर कर सकें।
मे बी दे आर जस्ट थिंकिंग एंड मेकिंग प्लान्स ओवर इट. अभी ये सिर्फ सोच ही सकते हैं. इनकी जो मैं कंडीशन देख रही हूँ, ये कहीं पर बहुत ही बुरी तरीके से फंसे हुए हैं गाइस, और ये अभी राइट नाउ सिर्फ और सिर्फ सोच सकते हैं, प्लान कर सकते हैं, बस इतना ही ये कर सकते हैं. आगे शायद इनको बढ़ने के लिए कुछ समय तक का इंतज़ार इन्हें करना पड़ सकता है. यहाँ पर सिक्स ऑफ सोर्ड्स टॉक्स अबाउट कि इवेंचुअली आपके पर्सन की ये जो सिचुएशन है ये एंड हो जानी चाहिए गाइस, क्योंकि यहाँ पर डेथ वाला एक एंगल इनकी लाइफ में आने वाला है. यानी कि दे आर गेटिंग इनटू सम काइंड ऑफ अ ट्रांसफॉर्मेशन और एक रीबर्थ. इनकी इनको एक और चांस ज़रूर मिलेगा, यूनिवर्स इन्हें एक और मौका ज़रूर देगा, क्योंकि ये सच में दिल से आपको डिज़ायर कर रहे हैं, ये आपको शायद यूनिवर्स से मांगते होंगे. और जब से ये आपसे अलग हुए हैं गाइस, इन्होंने अपनी लाइफ का बहुत ही डार्कर एरिया देखा होगा. दे आर गोइंग थ्रू अ डार्क नाइट ऑफ देयर सोल. तो ऐसा कुछ तो यहाँ पर इनके साथ हुआ है या फिर हो रहा है अभी राइट नाउ भी मैं कह सकती हूँ कि कुछ तो इन्हें रियलाइजेशन हो रही है डीप लेवल्स पर. एक यू नो डार्क सबकॉन्शियस में हो सकता है ये बहुत कुछ अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं. मतलब ऐसा ही होता है गाइस, हम लाइफ के लेसन्स को उसी समय समझ सकते हैं जब हमारे साथ कुछ बीत रही होती है. तब तक हमें कुछ समझ में नहीं आता, सब कुछ हमें बहुत ही सही लग रहा होता है या फिर हमें बहुत ही ज़्यादा हल्का सा लग रहा होता है, लाइट हम लेते हैं हर एक बात को. बट वो बात एक्चुअल में इतनी हल्की होती नहीं है जो उस समय हमने समझी थी. तो शायद आपके पर्सन ने आपको बहुत ही लाइट में लिया था, बहुत ही हल्के में ले लिया था, ये आपको शायद वैल्यू नहीं करते थे, आपकी इन्होंने शायद कदर नहीं की होगी. तो इस वजह से इनके लाइफ के कुछ ऐसे शिफ्ट यहाँ पर ये देख पा रहे हैं कि यहाँ पर इन्हीं को इन्हीं के लेसन्स शायद सिखाए जा रहे हैं. जो इन्होंने दूसरों के साथ किया था वही शायद इनके साथ रिपीट हो रहा होगा. तो कुछ तो इनके साथ एक डीप लेवल पर ट्रांसफॉर्मेशंस तो हो रही हैं गाइस. यहाँ पर एक तरह से ये एक रीबर्थ में आ रहे हैं, एक चांस चाहते हैं, दोबारा से मौका चाहते हैं यूनिवर्स से, ताकि ये अपने लाइफ के किन्हीं एरियाज़ को ब्यूटिफुली कॉन्कर कर सकें. सिक्स ऑफ सोर्ड्स इवन टॉक्स अबाउट के मूविंग टूवर्ड्स अ वेरी कामर डायरेक्शन. अभी इनके लाइफ में बहुत सारा एक मेस्डअप सिचुएशन या सिनेरियो चल रहा होगा, एक टर्बुलेंट वियंस इनकी लाइफ में बना होगा, जहाँ से ये बढ़कर एक यू नो बहुत ही पीसफुल एनवायरनमेंट की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं. ये सुकून चाहते हैं अभी अपनी ज़िंदगी में. इनके लाइफ में शायद सुकून सा छिन गया है एंड दे आर रियली डिसकंटेंटेड. अपनी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा बोर्डम महसूस करते होंगे, हार गए होंगे अपनी ज़िंदगी में, तो इसीलिए ये इस सिचुएशन को चेंज करना चाहते हैं गाइस. जल्दी इनको बहुत है, लेकिन शायद इन्हें इंतज़ार करना होगा. इनकी लाइफ में भी जस्टिस आएगा या फिर इन्हें किसी को जस्टिस देना पड़ेगा. यूनिवर्स इनके साथ कोई जस्टिस कर सकता है. तो जिस तरह से भी हो इनकी लाइफ में एक जस्टिस आना बाकी है गाइस. जब भी इनकी लाइफ में वो जस्टिस अपियर होगा तब ये वहाँ से रिलीज हो पाएंगे. ऑलराइट, तो अब देखते हैं कि आपके पर्सन आपके साथ इस कनेक्शन में क्या एक्सपेक्ट करते हैं. तो जैसे कि यहाँ पर आप कार्ड्स में देख सकते हो, टू ऑफ सोर्ड्स, द टेम्परेंस एंड द एम्प्रेस. तो ऑफकोर्स इनके लाइफ में दो तरह की सिचुएशंस होंगी, डिसीजन मेकिंग होगा. बट जो भी ये डिसाइड करेंगे गाइस, वहाँ पर ये एक बैलेंस चाहते हैं आपके साथ. मतलब इनकी लाइफ में अब जो भी कुछ होगा ये दोनों ही रास्तों से आपको चाहते हैं, बट वहाँ पर ये आपके साथ एक बैलेंस में आना चाहते हैं. जितना भी इन्होंने आपके साथ एक तरह से नेगेटिव ट्रीटमेंट रखा है, ये उस चीज़ को शायद सही करना चाहते हैं, एक हीलिंग लेकर आना चाहते हैं. इवन इस सिचुएशन को भी ये हील करना चाहते हैं और बहुत कुछ बैलेंस वे में लेकर चलना चाहते हैं, क्योंकि ये आपको अपना एक आइडियल लाइफ पार्टनर समझते हैं गाइस. आपको एक ऐसी पर्सनालिटी की तरह देखते हैं जिनके बगैर ये कुछ नहीं है. मतलब आप ही सही थे, आप ही ने हमेशा इनका साथ दिया है, आपको छोड़कर ये कहीं नहीं जा सकते और आपकी छाँव को छोड़कर ये कहीं नहीं जा सकते. मतलब कहने का ये है, इनके डिफ़िकल्ट टाइम्स में भी आप इनके साथ रहे होंगे गाइस, और हमेशा आपने इन्हें हील किया होगा, इन्हें सपोर्ट किया होगा. तो अब ये वापस से आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं. इनके पास दो रास्ते होंगे आपकी तरफ बढ़ने के, और यही मुझे लग रहा है कि दे आर जस्ट प्लानिंग फॉर समथिंग. अभी ये सिर्फ प्लान कर रहे हैं, और वो दोनों रास्ते ऐसे होंगे गाइस जो इनके लिए शायद बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होंगे, और दोनों रास्ते से भी ये आप ही की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं, ये मैं देख रही हूँ यहाँ पर.
तो इवेंचुअली इट इज लीडिंग टुवर्ड्स द हर्मिट, सेवन ऑफ पेंटिकल्स, नाइन ऑफ पेंटिकल्स एंड टेन ऑफ कप्स. तो ऑफ कोर्स यहाँ पर इनका एक एफर्ट तो ज़रूर रहेगा और ऑलरेडी ये एक तरह की मैनिफेस्टेशन में बने हुए हैं. ये शायद आपसे कुछ नहीं कह रहे होंगे, ये यूनिवर्स से एक बहुत बड़ी डिमांड रख रहे हैं, एक डिज़ायर रख रहे हैं, एक चांस चाहते हैं, एक सेकेंड मौका चाहते हैं ये, ताकि ये आपको हासिल कर सकें. आप ही इनकी अल्टीमेट हैप्पीनेस होंगे गाइस. आपको खोकर ये शायद बहुत ज़्यादा पछताए हैं. बहुत लोगों के लिए मैरिज कनेक्शन भी हो सकता है. मान लो अगर ये आपके हस्बैंड या वाइफ रहे हैं और इन्होंने आपको छोड़ दिया था लाइफ के किसी समंदर में, अकेला छोड़ दिया था, तो वो एक तरह से डिफ़िकल्टी इन्होंने भी फेस की है. आपको छोड़कर ये भी खुश नहीं रहे थे गाइस, और यही वजह है कि ये आपकी तरफ हर हाल में आगे बढ़ना चाहते हैं और ये यूनिवर्स से इस चीज़ को डिमांड कर रहे हैं. गॉड से एक तरह से एक और चांस चाहते हैं कि ये सब कुछ सही करके दिखाना चाहते हैं. तो मैनिफेस्टेशन इन्होंने ऑलरेडी रख दी है. और अगर फाइनेंशियली ये अभी कहीं पर स्टक हैं, तो शायद अपने फाइनेंसिस को ये स्ट्रांग बनाकर आपकी तरफ हो सकता है आगे बढ़ेंगे. और शायद हमने इसीलिए देखा था कि इनके लाइफ का कोई ऐसा एरिया होगा जहाँ पर ये स्टक हैं और किसी टाइम फ्रेम का इंतज़ार कर रहे हैं. बहुत सारे लोग अगर दूर भी हैं, मान लो आपके पर्सन या फिर आपके लाइफ पार्टनर, अगर ये आपके लाइफ पार्टनर हैं और ये खुद को फाइनेंशियली तब तक स्ट्रांग बना रहे हैं कि जब भी ये आपकी तरफ कम बैक करें तो ये आपकी तरफ एक फर्म फाउंडेशन प्रेजेंट कर सकें. गेटिंग माई पॉइंट? तो ये अभी फ़िलहाल के लिए सॉलिट्यूड में है. हो सकता है ये अपनी लाइफ को फुल्ली एंजॉय नहीं कर रहे हैं क्योंकि इन्हें आपकी कमी महसूस होती है और ये आपको एक वाइफ की तरह देखते हैं. यहाँ पर द एम्प्रेस टॉक्स अबाउट इवन अ वाइफ्स एनर्जी. यहाँ पर किसी तरह का कोई जेंडर स्पेसिफिकेशन नहीं है गाइस, ये बस एक एनर्जी है जिसके साथ घर बसाया जा सकता है. वाइफ की एक एनर्जी ऐसी हो सकती है जो घर को बनाती है, ठीक है. तो ऑफ कोर्स ये आपके लिए ऐसी ही फीलिंग्स रखते हैं. इन्हें लगता है कि इनकी लाइफ में बहुत कुछ मेस्ड अप हुआ है और ये अपने घर को लौटना चाहते हैं. तो ये वाली एनर्जी मैं देख रही हूँ क्योंकि आप ही इनके लिए एक अल्टीमेट डिज़ायर हो. एंड इवन टेन ऑफ कप्स टॉक्स अबाउट द हैप्पी फैमिली कार्ड. तो आपके साथ ये एक फैमिली शुरू करना चाहते हैं या फिर अगर ऑलरेडी आपकी और इनकी एक फैमिली है तो उसको वापस से ये कॉन्कर करना चाहते हैं, वापस से जीतना चाहते हैं. तो यही आज का शिफ्ट था आप लोगों के लिए गाइस. अगर ये शिफ्ट आप लोगों के साथ रेजोनेट कर रहा है तो ज़रूर मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए और आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स और थॉट्स आपको लेकर एक चैनल सॉन्ग के थ्रू भी हम जानेंगे गाइस. तो चैनल सॉन्ग के लिए आप मेरी इंस्टा स्टोरी चेक कर सकते हो और इंस्टा आईडी का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा गाइस. और अगर आप लोग मुझसे प्राइवेट सेशंस चाहते हैं तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो गाइस. तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली रीडिंग्स में. तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए. स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय.